शासन व्यवस्था जहां है जैसे भारत में है तो राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रधान होता है। इसमें और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद मंत्री मंत्रिपरिषद होती है और वही वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका होती प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होती है। हमारे देश में प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक है। राष्ट्रपति का वैधता क्रम में सर्वोच्च स्थान रखता है संविधान के अनुच्छेद 52 संविधान के लिए अनुच्छेद 52 में वर्णित है कि देश में एक राष्ट्रपति होगा यानी एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में ये वर्णित है कि शक्तियों का प्रयोग संघ की कार्यपालिका शक्ति संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करे। यानी कार्यपालिका 53 में अनुच्छेद 53 में क्या वर्णित है कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति ने नियुक्त होंगी और जिसका प्रयोग या तो स्वयं राष्ट्रपति करेगा या राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग करे। ठीक है, अब है राष्ट्रपति का निर्वाचन। बता दूं राष्ट्रपति का दूसरा है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 अनुच्छेद
और अनुच्छेद 5 में ये वर्णित है कि 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसमें कौन कौन से होंगे? लोकसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं उन सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के प्लस राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? इसके लिए अनुच्छेद 54 में यह वर्णित है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे? उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के और राज्यसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करें। राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन कैसे हुआ? निर्वाचन अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता सीधा राष्ट्रपति को अपना मत नहीं देती। एक विशेष विधि अपनाई जाती है, उस विधि का नाम है आनुपातिक। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन करने की जो विधि है उसका नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल की एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा
किया जाता है और गुप्त रूप से। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? अनुच्छेद 54 में वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो उसका निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेंगे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत डाल सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष पद्धति द्वारा होता है। क्यों? जनता उसे सीधे अपना मत नहीं देती। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा और गुप्त मतदान होता है। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस विधि में विजयी होने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए विजयी यानी इस विधि द्वारा जो उम्मीदवार चुना जाता है उसके लिए उसे जरूरी है कि विजयी होने के लिए वैधमत मतों जो जितने भी मत पड़ते हैं उनमें वैध मतों के आधे से एक मत मतों के आधे से अधिक एक मत प्राप्त करना जरूरी है। यदि डाले गए वैध मतों से के आधे से एक मत भी जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिए वो विजयी घोषित किया जाता है। इसे अधिक प्राप्त करना इसे न्यूनतम कोटा इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा यानी एक मत वो आगे एक और प्राप्त करेगा आधे से अधिक एक मत है तो इसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन इसका काल होता है कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का 5 वर्ष। राष्ट्रपति कितने समय के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष के। और 5 वर्ष के पश्चात पुनः चुनाव होता है तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी पुनः चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र यदि वो बीच में समय पूरा होने से पूर्व अपना त्याग पत्र दे तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को भेंट करता है या सौंपता है। यानी राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है और महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अनुच्छेद
चौवे स्थिति और अनुच्छेद 61 में महाभियोग महाभियोग का वर्णन है अनुच्छेद 61 में महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को समय से पूर्व ये हटाया जा सकता है। यदि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है महाभियोग की। अब सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य महाभियोग के पक्ष में दोनों सदनों के अलग अलग 2/3 सदस्य महाभियोग के पक्ष में मतदान करते हैं तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। यदि महाभियोग द्वारा या राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो तो 6 महीने के भीतर भीतर 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पुनर्चुनाव करवाना होता है और नव निर्वाचित राष्ट्रपति शेष अवधि के लिए नहीं होगा। जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, मान लो किसी राष्ट्रपति की ने 2 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा किया फिर उसकी मृत्यु हो गई तो 6 महीने के भीतर भीतर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ता है और जो दूसरा राष्ट्रपति चुना जाता है वो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का नहीं होगा कि जैसे मान लो 2 वर्ष इसने पूरा कर लिया और 3 बजे उनके लिए वो चुना जाए, ऐसा नहीं होता। वो राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। अब राष्ट्रपति के लिए योग्य कोई दिक्कत नहीं आता है, और वह लोकसभा
निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। तीसरी क्या जरूरी है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है।